हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा एक भ्रांति आपके दिमाग से बिल्कुल रिमूव होने जा रही है। क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है होम्योपैथी, एंटी टेटनस यानी कि एंटी टेटभैक और एंटीसेप्टिक मेडिसिन। साधारणतः लोगों का ऐसा मानना है कि होम्योपैथ में इस तरह की कोई भी दवा नहीं होती है। तो आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एंटी टेटनस या एंटी टेटभैक मेडिसिन की। होम्योपैथ में इस मेडिसिन का नाम है लेडनपाल और इसका पोटेंसी 30 है, यानी कि आपको लेडनपाल 30 का प्रयोग करना चाहिए। कब, आइए इसे जानते हैं। फ्रेंड्स, साधारणतः जब हम लोहे के किसी भी चीज से कट जाते हैं, चाकू से, कील से या कोई भी जंग लगे लोहे के पदार्थ से, तो हमें एक खतरनाक बीमारी टेटनस होने की आशंका होती है और यह बीमारी जानलेवा भी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम एलोपैथिक मेडिकल शॉप में जाकर एंटी टेटनस या एंटी टेटभैक इंजेक्शन को लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित करते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन का हमारे स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन होम्योपैथ के एंटी टेटनस या एंटी टेटभैक मेडिसिन लेडनपाल का हमारे स्वास्थ्य पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग जान लेते हैं इसे लेंगे कैसे। जब भी आप किसी लोहे के जंग लगे पदार्थ से कट जाते हैं, तो उसी समय आप आधे कप पानी में 4 बूंद लेडनपाल 30 को डालकर लेंगे और आपको इसका 3-4 खुराक ले लेना है। आप इसे प्रत्येक दिन सुबह और शाम करके 2 दिनों तक ले लें, आपको टेटनस कभी भी नहीं होगा। अब आइए दूसरी मेडिसिन जो कि होम्योपैथ की एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, इस पर चर्चा करते हैं। इस मेडिसिन का नाम है कैलेंडुला और इसका प्रयोग हम लोग साधारणतः मदर टिंचर के रूप में करते हैं। मदर टिंचर को क्यू पावर भी कहा जाता है। तो बाजार जाकर यदि हम कैलेंडुला क्यू या मदर टिंचर को मांगते हैं, तो वो आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है। अब जान लेते हैं इसका प्रयोग हमें कहां करना है। फ्रेंड्स, यदि आपके शरीर में कहीं भी घाव बन गई हो, फोड़े हो गए हो, जख्म हो गया हो जो ठीक ना हो रहे हो और काफी दिनों से आपके शरीर में बने हो, तो वहां पर आप इस एंटीसेप्टिक कैलेंडुला मदर टिंचर का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप थोड़े से डिस्टिल वाटर में कैलेंडुला मदर टिंचर को डालकर उसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे और फिर कॉटन की सहायता से उस जख्म को साफ करेंगे। फ्रेंड्स, याद रखें, मैं केवल आपको एंटीसेप्टिक मेडिसिन बतला रहा हूं, लेकिन लक्षणानुसार उस जख्म को ठीक होने के लिए आपको अदर मेडिसिन भी अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके जरूर लेना चाहिए। और जब आप इस दवा का प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे अद्भुत तरीके से आपका जख्म ठीक हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये दो दवा इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपने घर में जरूर रखें और यदि आपके पास है तो आप इसे कैसे प्रयोग करेंगे आप इसे जान चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बतलाएं और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे भी आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसके साथ यदि आप हमारे चैनल के न्यू विजिटर्स हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करूं तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।